गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सिमी और मम्मी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और सिमी तैयार हो रही है और मैं उसके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरी। तो सिमी कॉलेज जा चुकी है, मैंने उसे पूरी बना के दे दिया था। लंच में भी उसको आज मैंने पूरी दिया है। वैसे तो हरदम लंच बॉक्स में उसे पूरा फुल प्रिपेयर करके देती हूँ। और सुबह भी राइस ही खा के जाना पसंद करती है, लेकिन आज उसने थोड़ा डिफरेंट बोला था इसलिए मैंने उसे आज पूरी बना के दिया। और मैं आज का लंच जो है बाद में प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आज सिमी के पापा ने छुट्टी लिया है और इसलिए बाद में खाना बनाना है। और मैं अभी जा रही थी सब्जी लेने, एक्चुअली मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर से लेंगे सब्जी। तो आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का अनोखा सब्जी बाजार। देखिए, हमारे जो सब्जी वाले अंकल है गाड़ी में आते हैं और वो गाड़ी में इतने तरह के सब्जी सब लेके आते हैं ना, उन कैसे कैरी करते हैं, बहुत ही मतलब देखने लायक होता है। और उनके पास जो भी सब्जी होता है बहुत ही ग्रीन और फ्रेश रहता है। देखिए, वो फूल भी लेके आते हैं सुबह, और हम कभी कभी ऐसे ही सब्जी ले भी लेते हैं घर पर। सब सब्जियां बहुत फ्रेश रहते हैं इनके पास। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितने सारे सब्जी लिए हैं। आप सोच सकते होंगे कि गाड़ी में अंकल और भी बहुत सारी सब्जियां थी जो कि मुझे जो जो जरूरत था मैंने ले लिया है। तो सोचिए वो गाड़ी में कितने तरह के सब्जी लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ देखिए, सब सब्जियां भी बहुत ही ग्रीन है। मैंने खट्टा भाजी लिया है और यहाँ पर धनिया पत्ता, पालक, खीरा, हरी मिर्च, गाजर, बैंगन, आलू सब ले लिया है जो जो मुझे ज़रूरत थे। देखा, सब्जी तो मैंने ले लिया है, बहुत ही फ्रेश है। और मैं आपको अभी बाहर एक और चीज़ दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे ना गाय या बैल को बहुत प्यारा सा सजा के लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाय या वो बैल गाय को देख के। उनके पैरों में घुंघरू भी बांधते हैं, जब वो चलता है उनके साउंड बहुत ही अच्छा लगता है। और उनको हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कल्चर है हमारे, ये बहुत पुराना कल्चर है हम लोग का। तो ऐसे दान लेने आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आपको भी दिखाती हूँ, चलिए। कितना प्यारा सजाया हुआ बैल को उन्होंने, बहुत अच्छा बाजा भी बजाते हैं। देख, आ चुकी थी अपने बेडरूम में और बेडरूम का जो विंडो कर्टन है और डोर कर्टन जो है बहुत ही गंदा हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर, हमारे यहाँ साइड में एक विंडो दिया हुआ है, उसके नीचे ही सेल्फ भी है, तो शेल्फ में भी मैं एक कर्टन का जो कवर है डाल देती हूँ, कि क्योंकि साइड में सेल्फ है उससे सजाना कौन ज़्यादा सामान लगा के सजाए। और जैसा है, और बेडरूम भी पूरा क्लीन कर दिया है, बेडरूम का डोर कर्टन है उसे भी चेंज कर दिया है। यहाँ रूम को भी मैंने क्लीन किया, आज कपड़े भी बहुत सारे मुझे तय करने थे वो भी तय किया। और जो सेल्फ में मैं कपड़े जो डेली पहनते हम लोग, वो भी मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ। तो आज सिमी सुबह जाते जल्दी जल्दी में कपड़े निकालते, सब उसने इधर उधर कर दिया था, वो सबको सेट किया है मैंने अभी, और अच्छे से तय लगा दिया है। ऐसे तय करके रहे तो कपड़े अच्छे लगते हैं पूरे सेल्फ को। ये नीचे का सेल्फ मेरा है, ये सिमी का है, सिमी के पापा का, और जो थोड़े कपड़े रहते हैं उसे भी मैं ऐसे सेल्फ में डाल फोल्ड करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े जो है धोने के लिए निकले हुए हैं, इसे भी आज मुझे वॉश करना है। ये देखिए, अच्छे से छील लिया है। मैं थोड़ा सा इसका डंठल भी रख देती हूँ, क्योंकि इसका डंठल थोड़ा खट्टा खट्टा रहता है तो इससे खटास अच्छी आती है। और ये जो है साग, इसका मैं पुलसू बोलते हैं हमारे यहाँ, बनाऊंगी। और सिमी के पापा को ये बहुत पसंद है इसलिए आज उन्होंने लिया था, तो इसे मैं बना दूंगी, क्योंकि जब ग्रीन ग्रीन रहे तो बना लेना अच्छा होता है, नहीं तो फिर सूख जाने के बाद इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मेरे यहाँ सारे काम खत्म हो चुके हैं और मैं अभी जो मैंने हरा साग लिया था वो मैंने छील के रख दिया है, अच्छे से धो के भी रख दिया है, उसे मैं आज लंच में बनाऊंगी। मेरे अभी के तो काम हो गए, अभी मैं जा रही हूँ अपना हेड बात करने। तो आज मैं अपना हेड बात करूँगी
और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ मैंने बनाया है पुलसु, जिसे मैंने आपको दिखाया था, पत्ता मैंने छील के रखा था, लेकिन क्या हुआ कि मुझे खाना बनाना पड़ गया क्योंकि सिमी के पापा को जाना था, अर्जेंट कॉल था, तो उन्हें फिर से काम में जाना था। उन्होंने कहा खाना बना लो और वो खा के निकलेंगे, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। और ये पत्ता को जो है मैंने बॉईल कर लिया था और उसे फिर मिक्सी करके मैंने इसमें छोंक लगा दिया था और अच्छे से बॉईल कर दिया। और पुलसु के साथ बनाया था मैंने सब्जी के लिए, और आलू बॉईल करके मैंने ड्राई वाला फ्राई किया था। और अभी खाना तो बन चुका है मेरा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने सर में भी हैंड बाथ कर लिया। और आज मैंने सोचा था कि मैं नहा के खाना बनाऊंगी, क्योंकि डेली मेरा जो है सुबह ही हो जाता है खाना वाना बनाना, और ज़्यादातर मेरा जो है मेरे सब काम होने के बाद ही मेरा नहाना होता है, लेकिन आज भी नहीं हुआ क्योंकि सिमी के पापा को जल्दी जाना था, अर्जेंट कॉल था, और वो भी खाना खा के चले गए। और अभी मैं थोड़ी देर में मैं भी खाना खा लूँगी, और अभी मुझे करने के लिए ज़्यादा कुछ और है नहीं क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। और मैं अपना व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी और फिर मिलूंगी आपसे अपने दूसरे व्लॉग में। और प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, जिसका नाम है सिमी और मम्मी। तो तब तक के लिए बाय।